हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम देखेंगे दैनिक समसामयिक के 7/6/2021 से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके करंट अफेयर्स के। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने निर्देश देगी। यहाँ पर जो बेचने का निर्देश देगी वो लगभग 20। अगला है, मशहूर गायक सईद सवारी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो 85 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संसाधायक कार्यमुक्त कर दिया है, तो भारतीय नौसेना। अगला क्वेश्चन है, किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना पदभार संभाला है, तो वह कपिल मोहन धीर। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है, तो है थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है, NMPB और किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह है CSIR NBRI। अगला है, किस विभाग ने अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, तो आयकर विभाग ने। अगला है, किस विद्युत कंपनी ने कोजेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो NHPC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, 117वें स्थान पर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, 7 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था 7/6/2021 के लिए। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसमें हमने इसको सारे कवर किए हैं। तो स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से तैयार करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल 8/6/2021 से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। स्टूडेंट, आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय।